सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जो कि रूस से सामने आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या कर दी गई है। बम विस्फोट में पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या हुई है। तो अलेक्जेंडर की बेटी की मौत बताई जा रही है। अलेक्जेंडर जो कि राष्ट्रपति पुतिन की करीबी बताए जा रहे हैं और उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है कार धमाके में। दारिया दुगिन की मौत हुई है। तो ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जिस महिला की मौत हुई है। म्यूजिक प्रोग्राम से घर वापस लौट रही थी दारिया दुगिन, जिस दौरान ये धमाका हुआ और इस धमाके में दारिया दुगिन की जान चली गई। और देखिए, पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन निशाने पर थे, लेकिन उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। म्यूजिक प्रोग्राम से घर लौट रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो जाता है, और जब हत्या कर दी जाती है। और ये तस्वीर देखिए आपके सामने है, अलेक्जेंडर की बेटी की मौत हो गई है, कार धमाके में मौत हुई है।